सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा रिपब्लिक नेटवर्क के बारे में और बताऊंगा दोस्तों कि रिपब्लिक नेटवर्क से लगातार कुछ न कुछ न्यूज़ें आती रहती थी, तो रिपब्लिक नेटवर्क से जुड़ी तीन खबर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, रिपब्लिक नेटवर्क से रिलेटेड ही आज की वीडियो में बात करेंगे। रिपब्लिक भारत चैनल आपने बहुत ही देखा होगा और रिपब्लिक टीवी जो कि इंग्लिश में वहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलता है, उससे भी आप अवेयर होंगे। बेसिकली दोस्तों बता दूँ, अभी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी जो चैनल है बार्क टीआरपी के लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइट में आया था, बिकॉज इन पे आरोप लगा है रिपब्लिक नेटवर्क पे कि ऑलमोस्ट इन पे टीआरपी के चोरी का आरोप लगा था। बेसिकली बार्क के कुछ एक्स एग्जीक्यूटिव ने मिलकर और हंसा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिलकर ऐसा करा था, ये आरोप लगा था। और दास पार्थ गुप्ता जी जिनको आज फाइनली कोर्ट के तरफ से जमानत भी मिल चुकी है। और साथ ही दोस्तों रिपब्लिक नेटवर्क का एक नया चैनल रिपब्लिक बांग्ला भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। और दोस्तों मैं बता दूं, रिपब्लिक नेटवर्क की पहली बात तो ये है रिपब्लिक बांग्ला जो नया चैनल शुरू हो रहा है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है दास पार्थ गुप्तो को जो अपडेट था दोस्तों कि उन पर जो बार्क में छेड़छाड़ के लेकर जो संगीन आरोप लगे थे, फिलहाल उसमें आज जमानत मिल गई है। साथ ही दोस्तों एक जो अपडेट है, आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जी के जब मर्डर मिस्ट्री हुआ था उस टाइम पे प्रदीप भंडारी रिपब्लिक नेटवर्क के एंकर हुआ करते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा उनने सुर्खियां बटोरी थी और काफ़ी ज़्यादा उनने आवाज़ भी उठाया था। उनके साथ साथ दोस्तों विकास सरनमा ने भी रिपब्लिक नेटवर्क की तरफ से बहुत ही अच्छे और उम्दे एंकर थे जो कि रिपब्लिक नेटवर्क के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए काफ़ी अच्छा काम करा था। विकास शर्मा का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से। और प्रदीप भंडारी जी को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि प्रदीप भंडारी ने अब रिपब्लिक भारत को बाय बाय कर दिया है, यानी कि उसे रिज़ाइन कर दिया है। बेसिकली हुआ यूँ है दोस्तों कि आप सभी को पता ही है कन्नव गोस्वामी जी लगातार कुछ न कुछ चीज़ों में घिरे हुए हैं, पहले बार्क में लेकर, फिर मुंबई के जो केसेस हुए थे, मुंबई पुलिस को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रहती है, लॉट्स ऑफ चीज़ें थी। जहां रिपब्लिक नेटवर्क एक टाइम ऐसा था कि हमेशा टीआरपी में नंबर वन हिंदी भी न्यूज़ चैनल में, साथ ही इंग्लिश न्यूज़ चैनल दोनों कैटेगरी में आता था, बट अब ऐसा प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों। एक तो विकास शर्मा जैसे उम्दे एंकर का निधन हो जाना, ऊपर से प्रदीप भंडारी का कंपनी छोड़ देना, रिपब्लिक भारत से इस्तीफा दे देना, उसके अलावा दोस्तों अर्णव गोस्वामी को भी पुलिस उठा के ले जाती है या उन पर इतने सारे एलिगेशंस लग जाते हैं कि वो ये सारी चीज़ों से कानूनी दावपेच के चक्कर में चैनल की कहीं ना कहीं ज़्यादा टीआरपी भी अब कम होते जा रही है, व्यूअरशिप भी कम हो रही है। तो जो हॉटमोस्ट अपडेट है दोस्तों कि प्रदीप भंडारी ने रिपब्लिक नेटवर्क को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा इसका रीज़न अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन रिपब्लिक भारत को उन्हें अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। साथ ही उन्हें ट्विटर पर भी ट्वीट करके इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी और प्रदीप भंडारी को भी मुंबई पुलिस स्टेशन में हर सैटरडे को हाजिरी भी लगानी पड़ती थी बिकॉज उन पर जो एलिगेशंस लगाए थे उस वजह से। कुल मिलाकर यह दोस्तों कि रिपब्लिक नेटवर्क एक हाई पिच पे गया था, अब उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है। भले ही रिपब्लिक नेटवर्क एक रिपब्लिक बांग्ला चैनल नया शुरू करने जा रही है, बट रिपब्लिक भारत के टॉप मोस्ट एंकर या तो चैनल को छोड़ दिए हैं या तो छोड़ने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों विकास शर्मा तो बेचारा चला ही गया दुनिया को छोड़ के, डैट इज अनदर मैटर। तो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी जी के लिए एक बहुत बड़ा और रिपब्लिक नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। प्रदीप भंडारी ने फिलहाल रिजिग्नेशन दे दिया है, उनको आप ना ही रिपब्लिक भारत पे देख रहे होंगे, उनका कोई भी अभी एंकरिंग करते हुए आपको वीडियोस देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आने वाले टाइम पे अब देखा जाएगा कि प्रदीप भंडारी जो है कौन से चैनल को ज्वाइन करते हैं या क्या चीज़ें करते हैं, किस रीजन से रिजिग्नेशन दिया है। फिलहाल तो कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, बट ये था प्रदीप भंडारी के छोड़ने से कहीं ना कहीं रिपब्लिक नेटवर्क को और थोड़ा झटका लग सकता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।